हाय गाइस, ये जो तीन फोन है ना, आईफोन, पिक्सल, सैमसंग, नो डाउट इनके कैमरास अच्छे हैं, बट पता है क्या शॉकिंग बात क्या है जो मेरे को रिसेंटली रियलाइज हुआ ये फोन यूज करने के बाद, कि अगर मैं इन तीनों फोन के कैमरास वीवो X100 प्रो से कंपेयर करने गया, बहुत चांसेस है कि हर किसी को वीवो X100 प्रो का कैमरा फार बेटर लगेगा इनके कंपैरिजन में। और 20 दिन रियल लाइफ में इस फोन को टेस्ट करने के बाद मैं एक चीज यहां पर क्लियरली बता सकता हूं कि अगर फोन को मैं जज करने गया ना, कुछ चीजें इस फोन में गुड है, कुछ एवरेज, तो कुछ चीजें अल्टीमेट। क्या मतलब है मेरा इन सारे सेंटेंसेस से, आपको क्लियर हो जाएगा इस रिव्यू को देखते देखते। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ चीजें इस फोन में गुड है, तो मतलब पहले स्टार्ट उसी से करते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो डिजाइन है इस फोन का, वो एक्चुअली में अच्छा है। और इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है कि भाई, जो डिस्प्ले भी कर्व हो रही है, जो बैक पैनल भी कर्व हो रहा है, इसको कंफर्टेबल होल्ड देता है। इनफैक्ट मुझे लगा था कि जो इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, इस फोन को हैवी बना देगा, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो रखी है। बाय द वे, क्योंकि यहां पर इस कैमरा मॉड्यूल की बात हुई रही है, तो यार ये बहुत ज्यादा रेज्ड है। मतलब ऑब्वियसली भाई, कोई भी अपना फोन जो है फ्लैट सरफेस पे ऐसे रखेगा, और पूरा कैमरा मॉड्यूल के दम पे ही ये फोन जो है सरफेस पे रखा जाता है, तो जो कैमरा मॉड्यूल का थोड़ा राइट साइड वाला पार्ट है ना, उस पे स्क्रैचेस आ गए। वैसे तो मैंने इसको विदाउट केस यूज करा है, जैसे कि मैं हर एक रिव्यू में करता हूं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, बट हाँ, फोन पे वैसे स्क्रैचेस नहीं है, सिर्फ कैमरा मॉड्यूल पे स्क्रैचेस है। और एक बहुत स्केरी इंसिडेंट बताता हूँ, ये फोन ना मेरे हाथ से स्लिप हुआ और सीधा डायरेक्टली लैंड हुआ अपनी स्क्रीन पे। देखो, फोन टूटा तो नहीं, ऑब्वियसली मुझे पता है कि भाई एक एंगल होता है, अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई भी फोन गिरता है, तो भाई कैसी भी डिस्प्ले हो, कितना भी अच्छा लाइक डिस्प्ले प्रोटेक्शन उसका रखी हो, टूट सकता है। बट स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ कि डायरेक्टली अगर लैंड भी करा ये फोन, बहुत तेज आवाज आई थी, तब भी डिस्प्ले पे ना कोई स्क्रैच है, ना ही डिस्प्ले टूटी है। और मैंने वीवो की वेबसाइट चेक करी है, मतलब ये गोरिल्ला ग्लास आई थिंक यूज नहीं करते वीवो वाले, बट स्टिल ड्यूरेबिलिटी ठीक है, इनफैक्ट स्क्रैचेस भी नहीं है इतने 20 दिन की रफ यूसेज के बाद भी, लाइक इन शॉर्ट पॉजिटिव लग रहा है चीज। और इफ इन केस ये वीडियो देखने के बाद आप इस फोन को खरीदो, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि विदाउट केस और स्क्रीन गार्ड यूज करना, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी भी फोन के लिए, केस स्क्रीन गार्ड दोनों लगा लेना। बाकी प्रीमियम फोन्स में ना एक चीज मुझे बहुत मैटर करती है, वो है हैप्टिक्स। मतलब जब टाइपिंग में हैप्टिक्स अच्छे हो, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस अच्छा लगता है मेरे को। पर अगर इस फोन के हैप्टिक्स की बात करूं ना, तो पुराने वीवो फोन के कंपैरिजन में तो बेटर करे हैं हैप्टिक्स। पर पता है जो यूआई है ना, जब आप एंड्रॉइड चला रहे हो तो वो फोन के अंदर, तो यूआई के अंदर कहीं पे भी हैप्टिक्स एज सच इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे कि बाकी ब्रांड करते हैं, तो ये चीज और हो जाती तो बेटर रहता। बाकी नेटवर्क्स में तो मैंने एज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, मतलब मैं न्यू दिल्ली में एयरटेल यूज कर रहा हूं इतने दिनों से, कोई एज सच कॉल ड्रॉप नहीं। इन शॉर्ट, इस फोन के डिजाइन को अगर मैं स्ट्रिक्टली भी जज करने जाऊं ना, तब भी गुड बोलूंगा, और सेम चीज मैं डिस्प्ले के बारे में बोलूंगा, नो डाउट डिस्प्ले गुड है इस फोन की। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं, अगर मैं डिस्प्ले को बहुत स्ट्रिक्टली जज करने गया इस फोन की, तो इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन है, मे बी क्वाड एसडी हो सकता था, बट फिर इसके अलावा डिस्प्ले में ऐसा सच कोई कमी नहीं है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले मिल जाती है जो कि प्रीमियम लुकिंग है। LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस पे, और रिफ्रेश रेट भी काफी स्मूथ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है आज के टाइम पे एक तरीके से फ्लैगशिप नंबर है। और बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि भाई, इस ब्राइटनेस पे नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब पीकी ब्लाइंडर्स में यहाँ पर इसमें टेस्ट कर रहा था, देख रहा था, बहुत अच्छे हाइलाइट्स है, मतलब जो ब्राइट एरियाज है वो पॉप होते हैं डिस्प्ले में। और जब मैं कंटेंट देख रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आवाज थोड़ी सी कम है, मतलब और थोड़ी ज्यादा होती तो बेटर एक्सपीरियंस रहता। अब ऐसा नहीं है कि जब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम रील देख रहा हूँ तो आवाज कम रहती है, बट जब कोई आप पर्टिकुलर कंटेंट देखने जाते हो, तो कभी कभी फील होता है कि काश थोड़ी और वॉल्यूम होती। बट पता है मेजर प्रॉब्लम कब आती है डिस्प्ले में, जब आप फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज करो और वो इनफ ब्राइटनेस ना दे। तो मैं स्पेशली यार सारे फोन्स में ये चीज टेस्ट करता हूं। जैसे कि इस फोन की बात करूं, तो इन 20 दिनों में काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने डायरेक्ट सनलाइट में जो है नेविगेशन देखी, या फिर मैंने सोशल मीडिया यूज करा, चैट करी, यहां पर विजिबल रहती है डिस्प्ले डायरेक्ट सनलाइट में। और ये जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है ना, इसको मैं टेक्निकली कंफर्म भी कर रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल देखा जीएसए मेरिना का, जहां पर जीएसए मेरिना ने कंफर्म करा है कि 1472 निट्स ब्राइटनेस गई है आउटडोर, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा नंबर है। तो इन शॉर्ट, इस फोन की डिस्प्ले भी गुड बोली जाएगी। बाकी लास्ट चीज जो मैं गुड कैटेगरी में डालना चाहूंगा, वो इस फोन की परफॉर्मेंस है। खैर, यहाँ पर एक कैच है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोसेसर की बात करूं, तो इस फोन में MediaTek Dimensity 9300 है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस प्रोसेसर को अगर कोई टेक्निकली जज करने गया ना, उसको समझ में आएगा कि इस फोन में एफिशिएंसी कोर्स नहीं है। मतलब जितने भी कोर्स है
वो सारे मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, या फिर मैं बोलूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इजी वर्ड्स में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आप डे टू डे लाइफ के कैसे भी टास्क इस फोन पे परफॉर्म करोगे ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रोसेसर आपको कम परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे फिर वो कैसा भी टास्क हो। सोशल मीडिया तो बहुत छोटी मोटी चीज है, चाहे मैं गेमिंग कर रहा हूँ, गेमिंग एग्जाम्पल बताता हूँ, 6 से 7 COD के डेथ मैच खेले, स्टिल इसमें ऐसा फील नहीं हुआ कि फ्रेम ड्रॉप्स हो गए या फिर परफॉर्मेंस काफी कम मिली या फिर ग्राफिक्स अच्छे नहीं आ रहे। बहुत इजीली ये फोन जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देता है। बट कैच पता है क्या है, क्योंकि सारे के सारे कोर्स जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकते हैं, तो जैसे कि दिल्ली में फिलहाल टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इस फोन को अगर मैं आउटडोर यूज करूं और सोशल मीडिया भी यूज करूं तो क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस यूज हो रही है तो फोन गर्म हो जाता है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आउटडोर इस फोन पे हम कुछ टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये फोन हीट हो रखा था, मुझे लगा देखते हैं भाई 4K 60 FPS ऑन कर देते हैं, क्योंकि उस वजह से बहुत हीट होती है किसी भी फोन के अंदर, तो देखते हैं कैसे हैंडल करता है 4K 60 FPS। अब जो भी आप फुटेज देख रहे हो ना, इसमें कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, कोई क्वालिटी लॉस नहीं है, और इस टाइम पे फोन काफी ज्यादा गर्म था, स्टिल यहाँ पर परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर दे पा रहा था इतनी हीट में भी। एग्जैक्टली यही चीज मैं आप लोग को बताना चाहता था कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, और हर समय इतनी पावर की वजह से। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहां से एवरेज पार्ट स्टार्ट होता है। देखो इस फोन को अगर मैंने हैवी यूज करा है तो इसमें मेरे को 6 या फिर 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो कि लाइक डिसेंट है। और हैवी यूसेज से मेरा मतलब है कि मैंने वीडियो कॉल्स भी करी, बहुत कॉल्स भी है, बीच बीच में 5G भी यूज करा, कैमरा भी टेस्ट करा, और मामूली गेमिंग, 1-2 डेथ मैच मैंने खेले होंगे, इसको मैं हैवी यूसेज बोल देता हूं। बट जिस दिन मैंने इस फोन को बहुत ज्यादा हैवी यूज करा तो मुझे 3.5 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और जब मैं पूरे 20 दिन के अपने एक्सपीरियंस को कंपाइल कर रहा था ना, सम अप करके देख रहा था कि कैसा बैटरी बैकअप है, तो यार कुछ दिन ऐसे आए कि इसने मुझे अच्छा बैटरी बैकअप दिया है और कुछ दिन ऐसे आए कि इसने मुझे बहुत एवरेज सा बैटरी बैकअप दिया है, तो लाइक इनकंसिस्टेंट बैटरी बैकअप मिल सकता है इस फोन में। तो ये सब देख के मेरे को लगा कि हाँ एवरेज एक्सपीरियंस रहा मेरा बैटरी बैकअप का, बट यार थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा स्ट्रेट एवरेज बोल देना बैटरी डिपार्टमेंट को, क्योंकि यार 100 वॉट की चार्जिंग है। मतलब अगर मैं 100 वॉट की चार्जिंग को एक्सप्लेन करना चाहूं तो ऐसे समझो, अगर बिल्कुल बैटरी कम है तो 30 या 40 मिनट में फोन 100% चार्ज हो जाता है, और 10 मिनट में तो अराउंड 50% तक चार्ज हो जाता है, तो लाइक जो बैटरी बैकअप वाली बात है यहाँ से बहुत बैलेंस हो जाती है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि जो बॉक्स में 120 वॉट का चार्जर मिलता है वो आपको हर टाइम कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इस फोन का जो टाइप सी पोर्ट है वो 3.2 है, तो ये PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और इन शॉर्ट आप कोई और चार्जर लगाते हो जो आपके आसपास अवेलेबल है उससे भी ये इनफ चार्ज हो सकता है इजीली। बाकी ऑब्वियसली क्योंकि ये फोन वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ये खुद में प्रीमियम फीचर्स है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार देखो मैंने बहुत फन टच OS यूज करी हुई है पहले भी, पहले इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब तो काफी इंप्रूवमेंट्स क्लियरली दिखती है, जैसे कि एनिमेशंस में इंप्रूवमेंट दिखती है कि जब एप्स वगैरह खोलते हैं तो लाइक स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। इनफैक्ट कस्टमाइजेशन के तो यार कुछ ज्यादा ही ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों की एनिमेशन चेंज कर सकते हैं हम, चाहे फिर वो पावर बटन दबाने की एनिमेशन हो या फिर फिंगरप्रिंट की एनिमेशन क्यों ना हो, सब चेंज हो जाता है। और हाँ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन तो मिलती है जो कि एंड्रॉइड 14 में होना चाहिए। इनफैक्ट मटेरियल यू की थीमिंग भी मेरे को अच्छी लगी जो वॉलपेपर के साथ मैच होता है। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है, वीवो ने फीडबैक फाइनली ले लिया। मतलब मैंने कितनी बार जो अपनी वीडियोस में बोला है कि पहले क्या होता था ना, जैसे यूट्यूब चला रहे तो वो 60 Hz पे चलता था या फिर गूगल फोटोज, कुछ एप्स 60 Hz पे लॉक्ड रहती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब ऑलमोस्ट सारी एप्स 120 Hz पे चलते हैं, तो कंसिस्टेंट स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। जैसे एक और चीज जो बतानी बनती है कि इस फोन में एक अपडेट आया, पहले ना फ्रंट कैमरे से मैक्स 1080p रिकॉर्डिंग ही करता था ये, बट अब अपडेट के बाद 4K रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। बट बग्स की बात करूं तो कुछ माइनर चीजें मेरे नोटिस में आई। मतलब मैंने ऑन कर रखा है कि भाई खुद से लाइट से डार्क मोड हो जाए फोन या फिर डार्क से लाइट, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो विजेट्स है ना उनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो एक विजिबल नहीं थे। खैर इसके अलावा मुझे ऐसा कोई बग नहीं देखने को मिला। बाकी सॉफ्टवेयर में बस एक ही कमी हाईलाइट करना चाहूंगा, अपडेट पॉलिसी आई थिंक और बेटर कर देनी चाहिए वीवो को, 4+5 ईयर्स होती तो बेटर रहता, क्योंकि अभी 3+4 ईयर्स है। बट ऑनेस्टली मैं इस फोन में कितनी भी छोटी छोटी कमियां निकाल के ला दूं, बट आखिरी में जब मैं इसके फोटो का आउटपुट देखता हूं ना, मैं लिटरली सारी कमियां भूल जाता हूँ इस फोन की। कैमरा सेटअप भी ना सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि सारे 50 MP के सेंसर है। इनफैक्ट जो प्राइमरी कैमरा इस फोन का वो 1 इंच कैमरा सेंसर है। और क्रेजी बात पता है क्या है, अगर मैं इस फोन से एक CCTV की भी फुटेज खींचता हूँ वो भी ड्रामेटिक आ जाती है। और इस सन की फोटो देखो, यहाँ पर सन में स्पॉट्स तक दिख रहे हैं, ये भी लाइक कमाल का आउटपुट है। और सबसे प्रॉमिसिंग चीज तो ये है कि अगर मैं कोई एवरेज शॉट भी खींचता हूँ ना, चाहे वो कितनी भी बेसिक चीज का हो, वो आउटपुट भी दिखने में ना बहुत अलग सा है, फिर
स्पेशल लगता है। और चीजें माइंड ब्लोइंग तब होती है कि इतना कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है कि इस फोन से अगर मैं 1x से लेके 10x के बीच में कोई भी फोटो खींचूं इंडोर में, हर बार जो है कॉन्फिडेंट कैमरा प्रोसेसिंग है और कमाल की फोटोज आ रही है। ये तो इंडोर फोटोज थी, अगर मैं आउटडोर की बात करूं तो 30x पे भी ये अच्छी फोटोज खींच पा रहा है। मतलब ये ना उन गिने चुने फोनों में से है कि इस फोन से किसी भी फोकल लेंथ पे फोटो खींचो मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि आउटपुट अच्छा आएगा। और टोटल 20 दिन की यूसेज में ना यार बहुत ऐसी सिचुएशन आई है कि लाइक कॉम्प्लेक्स लाइटिंग आ गई मेरे आगे, मुझे वहां फोटोज खींचनी है, या फिर लो लाइट सिचुएशन आ गई। यार एक्चुअली में ये फोन कैसी भी लाइटिंग कंडीशन में अगर डिटेल निकाल पा रहा है तो मतलब ये सारी तारीफें मैं जस्ट ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली इस फोन के कैमरे में काफी कैपेबिलिटीज है। और सिमिलर स्टोरी पोर्ट्रेट मोड की भी है, अगर ये डिजिटल जूम भी करता है ना 2x या 3x पे तब भी पता नहीं कैसे ये शार्प आउटपुट आ रहा है, इनफैक्ट ओवर शार्पनेस भी नहीं लगती। इनफैक्ट अगर मैं 100mm जूम भी करता हूँ पोर्ट्रेट्स में तो वो भी यार काफी लाइक अच्छे कैमरे की लुक देता है, जैसे कि एक DSLR फील होती है ना वो आराम से आ जाती है। और पोर्ट्रेट फोटोज खींचते समय ना बाय चांस एक फिल्टर मुझे दिखा यहाँ पर विंटेज नाम का, और यार कुछ तो इस फिल्टर में बात है, मतलब ये कुछ तो सिनेमेटिक लुक देता है और मैंने इसको काफी यूज करा है। बाकी सेल्फी की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। देखो अब बैक कैमरा इतना स्पेशल है कि लाइक फ्रंट कैमरा ठीक है भाई, डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है। मेरे हिसाब से बैक कैमरा इतना वर्थ इट है कि उसके बारे में ज्यादा बात करने का मन किया। बाकी एक और स्पेशल चीज है कि अगर मैं एंड्रॉइड वर्ल्ड की वीडियो क्वालिटी देखूं ना वो इतनी फैंटास्टिक ऐसा कभी रही नहीं, बट अच्छी बात है कि वीवो कुछ तो कर रहा है वीडियो के अंदर, क्योंकि लेंस स्विचिंग देखो। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे फोन जो है इतनी स्मूथ लेंस स्विचिंग नहीं कर पाते आईफोन के अलावा। इनफैक्ट ये जो वीवो X100 Pro है यार ये तो सारे कैमरा लेंसेस पे स्टेबलाइजेशन भी अच्छी लेकर आ रहा है, तो मैं वीडियो भी सीरियसली मैं वीडियो भी बहुत अच्छी बोल सकता हूँ। और ये जितनी भी लेंस स्विचिंग हुई है और जो भी मैंने आपको वीडियो सैंपल दिखाया है सारे 4K 60fps है, और ये बड़ी बात है एंड्रॉइड वर्ल्ड में। देखो लास्ट में ना बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूँ, अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है मैं सिंपली बोलूंगा 90,000 rupees का फोन है ये, और मेरे हिसाब से इससे अच्छा कैमरा सेटअप और इससे अच्छी कैमरे की क्वालिटी मेरे को नहीं लगता कि कोई और फोन लेकर आ रहा है, इंक्लूडिंग जो इससे महंगे फोन है उनके साथ भी कंपेयर करके मैं बात बोल रहा हूँ। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि चाहे इस फोन में मैंने कोई प्रॉब्लम भी फेस करी हो, कैमरे का आउटपुट देख के ना मैं लिटरली सारी चीजों को भूलने के लिए रेडी था। और ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरी पर्सनल टेस्टिंग, हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो। आप बताओ आपके हिसाब से जो फोटोज है जो फोन है वो एग्जैक्टली में है कैसा। और एक और क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि ये फोन अंडररेटेड रह गया क्योंकि सबसे पहले लॉन्च हुआ था दिसंबर के टाइम पे। मैं सच में आप लोग के कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।